हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लेक्चर। आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड हैं। पिछले क्लास में मैंने जैसे कि साइन सी प्लस साइन डी टाइप के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करके बताया था कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज मल्टीपल एंगल्स के जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट टैन ऑफ 4x इज इक्वल टू 4 टैन x मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस टैन स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस 6 टैन स्क्वायर x प्लस टैन टू द पावर 4x। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान देंगे तो जो इसका जो लेफ्ट साइड है उसमें x के साथ 4 मल्टीप्लाई है, दैट इज 4 इंटू x है, ठीक है। लेकिन इधर देखें यदि आप तो सिर्फ x है, ठीक। तो आपको करना क्या होगा यहाँ पे कि आपको मल्टीपल एंगल का जो फॉर्मूला होता है उसके थ्रू रिड्यूस करने हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन में जो 4 है उसको किसी तरीके से आपको x तक ले जाना है, ठीक। तो जैसे कि हमें पता है कि पिछले क्लासेज में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे tan 2 थीटा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे तो पहले यहाँ पे थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई रहता है, लेकिन बाद में आप उसको सिर्फ थीटा में लिख लेते हैं, मतलब यहाँ से अब 2 थीटा जो है वो थीटा में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको 4x है और आपको क्या लिख देना है, x में लिख देना है। तो यही फॉर्मूला जो है वो मैं अप्लाई करूंगा, लेकिन यहाँ पे 2x नहीं है, यहाँ 4x है, ठीक है। तो किस तरीके से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज tan ऑफ 4x, यस। इसको मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x, मतलब ऐसे समझिए कि थीटा की जगह पे हमने 2x लिख लिया है, ठीक है। तो tan 2 थीटा समझिए इसको, क्लियर। तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 2 थीटा, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो यदि मैं लगाऊं तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा दैट इज 2 tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे 2x है, यहाँ थीटा है, तो थीटा में 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan ऑफ 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब है क्या कि जो राइट हैंड साइड है इसमें उसमें आप देखेंगे तो x लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो 2x है, तो फिर से मुझे tan 2x का फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय tan 2x इज 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर समझिए इसको। tan स्क्वायर 2x का मतलब होता है tan 2x होल स्क्वायर। तो tan 2x का पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, दैट इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर है ये, ठीक है। दैट इज tan 2x होल स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर 2x। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 दैट इज 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये इसका न्यूमरेटर पार्ट में है, ऊपर है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan x होल स्क्वायर दैट इज 4 tan स्क्वायर x, और नीचे जो है वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्लियर। इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसके नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो ऊपर ऐसे ही रहने देता हूँ, 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x इसका ऊपर में जो है, ठीक है ना। नीचे डिनोमिनेटर में इसके कितना आएगा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका एलसीएम में आ जाएगा। और ये जब एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो यहाँ पे 1 माइनस है तो इधर हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, क्लियर। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं इधर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 4 tan x
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय, इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का जो होल स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा, सो इट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, ये आपका इसके नीचे रहेगा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स से एक 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा 4 टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ऊपर रहेगा, और डिनोमिनेटर देखिए ध्यान से क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला लगाए यहाँ पे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर दैट इज प्लस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी दैट इज माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, ये बचेगा एंड दैट इज इक्वल टू 4 टेन लिख लीजिए 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस रहने देंगे, और डिनोमिनेटर जो है उसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 टू द पावर 4 एक्स, ओके माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स दैट इज 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर दैट इज 10 टू द पावर 4 एक्स, ध्यान से देखिए क्या यही प्रूफ करना था, सो व्हाट वी कैन इजीली सी दैट यही हमारा राइट हैंड साइड है, RHS यही है हमारा, ठीक है ना, सो दैट इज प्रूफ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, यदि x के साथ 4 है तो हमें सिंपली x में लेकर के जाना है, तो हमें फॉर्मूला लगा के रिड्यूस करना है, ठीक है, और फिर हम उसको लिख सकते हैं इजीली, तो ये प्रॉब्लम हमारा हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला को यूज करना है, दैट मीन 6x है यहाँ पे, आपको x में लेकर के जाना है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो cos 6x है और उसको क्या लिख देना है आपको, 32 cos टू दी पावर 6x माइनस 48 cos टू दी पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखना है। तो जैसा कि हमें पता है कि cos 3 थीटा जो होता है वो होता है कितना, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा दैट इज cos 3 थीटा, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, पिछले क्लास में मैंने बताया था फॉर्मूले याद रखना है हमें, cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही यूज करते हुए क्या मैं इसको यहाँ पे, तो लेकिन 6x है, यहाँ 3 थीटा होता है यहाँ पे 6x है, तो क्या मैं इसको यूज करते हुए इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पे इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना दे रखा है, cos ऑफ 6x, तो सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ 3 इंटू 2x, तो लिखा जा सकता है ना इसको cos ऑफ 3 इंटू 2x, क्लियर, और 2x को एज ए थीटा, क्योंकि x यदि एंगल है तो 2x भी कोई ना कोई एक एंगल होगा, ऐसे समझ सकते हैं आप, और मान लीजिए ये थीटा है तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यदि आप लगाओगे तो कितना होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, सो इट इज 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, क्लियर, लिखा जा सकता है ऐसे, कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, तो 4 cos 3 इंटू 2x कितना हो जाएगा, cos 3 थीटा समझिए इसको, तो हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा दैट इज 2x माइनस 3 cos थीटा, तो यहाँ पे 2x इज अ कंसिडर्ड एज थीटा। अब लेकिन यहाँ पे इधर जो राइट हैंड साइड है हमारा उसमें कहीं पे 2x नहीं है, x है, ठीक है, तो x में कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए cos 2x का फॉर्मूला, मतलब cos 2 थीटा जो होता है या cos 2x का जो फॉर्मूला होता है उसको आपको x में लिखा जा सकता है, मतलब cos 2 थीटा को मैं थीटा में लिख सकता हूँ, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, cos 2 थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ चीजें फॉर्मूले के फॉर्म में आपको याद रखना है जो कि जरूरी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सो ये सब जो चीजें हैं उनको तो हमें याद ही रखना होगा, cos 2 थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1,
और वो याद कैसे रहेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाते हैं। तो यहां पे हमारे पास है 4 cos³ 2x, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 times cos 2x को लिखा जा सकता है 2 cos²x - 1, और पावर में कितना है इसके 3 है, तो ये तो हो गया cos²x, पावर में कितना है 3, तो वो लिख लेते हैं -3 times cos²x is 2 cos²x - 1। एक्चुअली राइट हैंड साइड जब आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ x है, पावर भले ही है लेकिन x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है। तो अब यदि आप ध्यान से इसको देखो तो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई था पहले 6, अब यहाँ पे सब में 1 ही मल्टीप्लाई है x के साथ, मतलब सिंपली x लिखा हुआ है और वही चाहिए था हमें। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब आपको यूज करना है फॉर्मूला के -b³ का, ठीक है, और इधर तो डायरेक्टली आपका मल्टीप्लीकेशन करना है सिंपल। तो a - b³ कितना होता है, यदि आप ध्यान से समझें इसको, तो ये होता है कितना, a³ - b³ - 3ab × a - b, सिंपल फॉर्मूला है जो कि हम क्लास 9-10 में पढ़ते हैं। कितना होता है a - b³, दैट इज a³ - b³ - 3ab × a - b। यहाँ पे यदि मैं इसको a और 1 को b, 2 cos²x को क्या बोल रहा हूँ a, और 1 को यदि मैं b लिखूँ तो ये a - b³ है। तो यहां से मैं फॉर्मूले के ऊपर लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 cos²x³, दैट इज a³ - b³, दैट इज 1 का³ - 3ab, दैट इज 3 2 cos²x * 1, तो उतना ही होगा, ये मल्टीप्लाइड बाय 2 cos A - B, 3ab × a - b होता है, तो 3 × 2 cos²x * 1 is 2 cos²x, और 2 cos²x - 1, और फिर इधर कितना आ जाएगा, ये तो आपका ये वाला पार्ट हो गया सॉल्व, -3 times 2 cos²x - 1, ऐसे लिख लेंगे। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 का पावर 3, दैट इज इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, और cos²x³ हो जाएगा cos²x·6, 1 का³ कितना होता है 1, 3 × 2, दैट इज 6 cos²x × 2 cos²x - 1, -3 × 2, दैट इज 6 cos²x − 3 × −1, दैट इज +3। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। आगे सॉल्व करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, पहले तो इसी को एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, -1 - 6 × 2, दैट इज 12 cos²x × cos²x, दैट इज cos²x, cos के पावर में है ये 4 है ना, cos²x माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 cos²x - 6 cos²x + 3, आगे ठीक। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं जब, तो ये कितना आएगा देखिए, 4 × 8, दैट इज 32 cos²x - 4 × -12, दैट इज -48 cos²x + 4 × 6, दैट इज 24 cos²x - 6 cos²x + 3, ऐसा लिख लेंगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हुए। आगे इसको और लिखते हैं तो कितना है, ये तो वैसे ही cos²x को कहीं दिखा नहीं मुझे, तो cos²x - 48 cos²x - 6 cos²x, दैट इज 24 में से 6 माइनस करेंगे यदि तो 18 cos²x बचेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात, -4 + 3, दैट इज -1। तो यही तो राइट हैंड साइड में यही लिखा हुआ है ना, 32 cos²x - 48 cos²x + 18 cos²x - 1, तो दैट इज आवर राइट हैंड साइड एंड दैट इज प्रूव। सो दैट इज द वे बाय विच वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इजिली, ठीक है। तो अब और भी प्रॉब्लम हम देखते हैं आज की क्लास में।
The next problem is find the value of sine 18 degree. देखिए sine 18 degree जो है मतलब 18 degree जो angle है वो एक important angle है trigonometry में, because the reason is 18 multiplied by 5 is equal to 90 degree. 18 5 का कितना होता है 90 होता है, ठीक। तो इस चलते ये जो angle हमारा है 18 degree, 36 degree, 72 degree, 54 degree, ये सब कुछ important angle हो जाते हैं trigonometry के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू जो है वो हम याद भी रखते हैं, और सबसे पहले तो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं और फिर हम इसकी वैल्यू याद रखेंगे। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालने से के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 18 डिग्री को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 90 डिग्री होता है, समझ रहे हैं बात। तो सबसे पहले यदि हम इसको थीटा लेट कर ले, मान लीजिए 18 डिग्री को, लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखा जा सकता है। 5 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इसका ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 5 थीटा इज नथिंग बट 2 थीटा प्लस 3 थीटा एंड दैट इज 90 डिग्री। 2 थीटा और 3 थीटा ही क्यों लिखा, उसका भी रीजन था, बिकॉज जो फॉर्मूले हमने अभी पढ़े हैं मल्टीपल एंगल्स में उसमें इन जनरल 2 थीटा और 3 थीटा का फॉर्मूला हम डायरेक्टली जो है वो थीटा के टर्म्स में याद रख सकते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो यहां से लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि 2 थीटा जो होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, एंड इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन सपोज इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ऐसा भी समझ लीजिए, क्लियर। तो यदि दो एंगल बराबर है तो साइन दोनों तरफ ले सकते हैं, कॉस दोनों तरफ ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एंगल बराबर है तो उस पे साइन की वैल्यूज भी बराबर होगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब ये होगा कि साइन 2 थीटा जो है वो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा के बराबर होगा, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 थीटा। फॉर्मूला है ये साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो दिस इज कॉस ऑफ 3 थीटा। अब ये दोनों ही फॉर्मूले थीटा के टर्म्स में हमको पता है कि क्या होता है, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर। और कॉस 3 थीटा जो होता है वो भी हमें पता है कितना होता है, ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो यहां से साइन 2 थीटा की जगह मैं लिख लेता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा की जगह लिख सकते हैं हम लोग 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। एक्चुअली थीटा के टर्म्स में क्यों लिखा, क्योंकि थीटा 18 डिग्री है और 18 डिग्री पे ही हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हमने सबसे पहले तो इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे को इधर की तरफ ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्लियर। और फिर यदि आप देखें ध्यान से तो सभी में कॉस है, यहां भी कॉस थीटा है, इसमें भी ये तीन बार कॉस थीटा है, कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा दैट इज कॉस क्यूब थीटा, और यहां भी एक कॉस थीटा सब में से कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हमारे पास आने वाला है। और यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये और ये टर्म जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका मतलब होता है कि या तो कॉस थीटा 0 होगा या तो ये वाला पार्ट पूरा 0 होना चाहिए, 2 साइन थीटा दिस इज 0 और 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, तभी ये इक्वेशन ट्रू होगा, समझ रहे हैं बात। तो यदि आप ध्यान से देखें तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज थीटा इज नथिंग बट 18 डिग्री एंड कॉस 18 डिग्री कैन नॉट बी 0, कॉस 90 डिग्री 0 होता है और उससे पहले कॉस 0 जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो उसके बीच में तो वैल्यूज 0 से 1 के बीच में ही कुछ ना कुछ रहती है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, सो इट इज नॉट पॉसिबल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 वेयर थीटा इज 18 डिग्री
इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली हमने शुरुआत में ही थीटा को कितना लेट करा हुआ है, ये इक्वेशन तब ट्रू है जब थीटा 18 डिग्री होगा, लेकिन कॉस थीटा वहां जीरो नहीं है, समझ रहे हैं बात? इसका मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो जीरो होना चाहिए। इसी को यूज करते हुए मैं साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा, ठीक। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ है 2 साइन थीटा, यहाँ है -4 cos² θ + 3 = 0। अब ये साइन थीटा तो यहाँ है लेकिन इधर कॉस स्क्वायर में है, तो इसलिए हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह यदि 1 - sin² θ लिखें तो ये पूरा का पूरा साइन थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको साइन थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की, और जिसके लिए क्या करते हैं देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। दिस सिंपली इंप्लाइज दैट 2 sin θ - 4 × cos² θ कैन बी रिटन एज 1 - sin² θ + 3 = 0। इट इज 2 sin θ - 4 × −sin² θ, दैट इज +4 sin² θ + 3 = 0। अब ये साइन स्क्वायर थीटा जो पावर है इसमें सबसे बड़ा यही है, तो इसको पहले लिख लेता हूँ, दैट इज 4 sin² θ + 2 sin θ - 4 + 3, दैट इज -1 = 0, वेयर थीटा इज नथिंग बट 18 डिग्री। ओके, तो यहां से साइन, एक्चुअली मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बार बार 18 डिग्री ना लिखना पड़े इसलिए लिख रहा हूं थीटा, ठीक है। 4 sin² 18 डिग्री + 2 sin 18 डिग्री - 1 0 होता है, ये इक्वेशन हमारे पास आया है, ठीक है। तो यहां से यदि मैं साइन थीटा निकालना चाहूं तो क्या मैं निकाल सकता हूं? तो जैसे कि आपको पता होगा कि यदि मैं साइन थीटा को टी लेट कर लूं, साइन थीटा इज इक्वल टू टी, तो इन दिस केस इट इज 4t² + 2t - 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे थीटा की जगह मैंने टी लिख लिया, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b, दैट इज -2 + √ b² दैट इज 2² - 4 × 4 × -1 दैट इज 4ac डिवाइडेड बाई 2 × 4 लिखा जा सकता है, इतना क्लियर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है देखिए, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी t = −2 + √ 4 + 16 / 8, एंड दैट इम्पली सिंपली इंप्लाइज दैट t = −2 + √ 20/8, एंड दैट इज −2 + √ 20 = 2√5, बिकॉज 20 कैन बी रिटन एज 4 × 5 एंड 4 का √2 होता है, तो उसको बाहर लिख लेंगे हम लोग और 5 तो बच जाएगा अंदर, डिवाइडेड बाय 8, एंड इट कैन बी इजली रिटन एज −2 + √5 डिवाइडेड बाय 2 × 4, एंड इफ यू टेक 2 कॉमन फ्रॉम हियर देन इट इज −2 × −1 + √5/2 × 4, एंड 2 and 2 वॉट कैंसल। तो साइन यहां से टी क्या है, साइन थीटा है, तो दैट मीन साइन थीटा इज इक्वल टू −1 + √5/4 और −1 − √5/4, ये आ रहा है, ठीक है। बट 18 डिग्री थीटा क्या है, 18 डिग्री है, शुरुआत से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कि थीटा कितना है, 18 डिग्री है। तो यदि आप देखें तो 18 डिग्री इज इन लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, सो साइन 18 डिग्री जो होगा, दैट मीन साइन थीटा जो होगा थीटा 18 डिग्री पे, वो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यदि आप इस वैल्यू को देखें −1 − √5/4, ये तो निगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हमारे पास समझ में आता है कि साइन 18 डिग्री जो है, दैट इज थीटा की जगह पे अब मैं 18 डिग्री लिख लेता हूं, दैट इज −1 + √5/4 होगा, या सिंपली आप ऐसे भी याद कर सकते हैं √5 − 1/4, है ना, दैट इज नथिंग बट √5 − 1/4, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। अब इसी को यूज करते हुए आप दूसरी जो वैल्यूज है cos 18 डिग्री निकालना हो तो भी सिमिलर तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें दोनों तरफ cos ले लेंगे, ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा, cos 18 डिग्री निकल जाता है। यदि हम
साइन 18 डिग्री और कॉस 18 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम साइन 36 डिग्री भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन 36 डिग्री दैट इज साइन 36 डिग्री इज 2 साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री। तो इस तरीके से हम बहुत सारी वैल्यू जो है वो इसको यूज करते हुए, साइन 18 डिग्री की वैल्यू यदि हम याद रखें रूट 5 माइनस 1 बाय 4 होता है, तो इसको यूज करके हम और भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कंप्यूट द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है, इसकी वैल्यू हम याद तो नहीं रखेंगे, बट 22.5 डिग्री इज एन इम्पोर्टेंट एंगल एंड यू कैन इजिली फाइंड साइन 22.5 डिग्री, कॉस 22.5 डिग्री, टैन 22.5 डिग्री, कुछ भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। उसका रीजन ये है कि 22.5 डिग्री जो होता है उसका मतलब है 45 बाई 2। ओके, तो 2 टाइम्स 22.5 डिग्री का मतलब होता है 45 डिग्री। क्लियर, बिकॉज इट इज नथिंग बट 45 बाई 2। 22.5 डिग्री मीन 45 डिग्री बाई 2, तो 2 टाइम्स करने से कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है वो यदि हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास, क्योंकि साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, इस तरीके से तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो यदि आपको याद हो तो एक फॉर्मूला जो कि हम यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 sin² θ होता है। कॉस 2 थीटा इज 1 माइनस 2 sin² θ। कहां से आया था ये फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा में प्रूव किया था सबसे पहले कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और फिर इसी को जब लिखा था तो ये कितना बन गया था, 1 माइनस 2 sin² θ आ गया। क्लियर, यहां से भी आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब ये होता है कि 2 sin² θ जो होगा, माइनस 2 sin² θ इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं और cos 2 थीटा को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा। समझ रहे हैं बात, और यहां से हम इजीली लिख सकते हैं कि इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 θ/2, एंड साइन थीटा कैन बी रिटन एज ±√1 cos 2 θ/2। क्लियर, समझ रहे हैं बात, लिखा जा सकता है साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ±√1 cos 2 θ/2। अब इस ये थीटा है और यहां 2 थीटा है, उससे होगा क्या, इस ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि थीटा यदि हम 22.5 डिग्री लेते हैं, थीटा की जगह यदि हम 22.5 डिग्री लेंगे तो 2 थीटा कितना हो जाता है, 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है, जो कि हमें मालूम है। समझ रहे हैं बात, तो ये एक जो तरीका है उसको यूज करके हम ये प्रॉब्लम इजीली आसानी से कर सकते हैं। तो इसका इसमें पुट थीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि साइन 22.5 डिग्री कैन बी रिटन एज ±√1 cos 45 डिग्री, बिकॉज इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 45 डिग्री/2। लेकिन यहां पे तो प्लस माइनस था, यहां पे सिर्फ प्लस लेंगे, उसका क्या रीजन है, फिर से 22.5 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 22.5 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव कोई भी हो तो आपको प्लस में लेना है यदि एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो। ठीक है, तो 22.5 डिग्री लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो प्लस होगा, माइनस तो हो ही नहीं सकता, तो दैट इज साइन 22.5 डिग्री इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 45 डिग्री/2। और इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेना है, तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं कितना आता है देखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन 22.5 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/√2/2, बिकॉज cos 45 डिग्री इज 1/√2 एंड इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1/√2। ऐसे लिख लीजिए सबसे पहले, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 एलसीएम आएगा ऊपर में इधर, तो √2 - 1/√2/2, दिस स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1 √2/√2 √2। या √2 से नेशनलाइज कर लीजिए, इससे होने क्या वाला है, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ √2 √2 2 - 1/4 एंड दैट इज 1/2
स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन 22 एंड हाफ डिग्री। क्लियर? तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है उसमें हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। और कुछ एंगल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, उसमें से 67 एंड हाफ डिग्री है जो कि आप निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं बात? तो आप ये खुद से ट्राई करिए कि कैसे निकालेंगे, क्योंकि 67 एंड हाफ डिग्री का जो दुगना होता है वो होता है 135 डिग्री, एंड 135 डिग्री जो है उसमें साइन 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, ये सब वैल्यूज हम निकाल सकते हैं इजीली। अब जैसे यहीं पे भी मान लीजिए कॉस 67 एंड हाफ डिग्री ये निकालना है सपोज, है ना। ये सेकेंड प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ, बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो अगेन 67 एंड हाफ डिग्री का मतलब होता है 135 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 67 इनटू 2 दैट इज 134 प्लस 1 135 डिग्री बाय 2, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ 67 एंड हाफ डिग्री इज नथिंग बट 135 डिग्री। और 135 डिग्री अगेन है स्पेशल एंगल, यहां पे वैल्यूज आप निकाल सकते हैं साइन की कॉस की, ठीक है। तो अगेन कॉस 2 थीटा जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस बार मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि मुझे cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, और cos थीटा को मैं cos 2 थीटा के टर्म में इजीली लिख सकता हूं। कैसे? 2 cos स्क्वायर थीटा जो होगा उसको लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 2 थीटा, क्लियर। माइनस 1 को इधर लाएंगे तो, और यहां से cos स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, एंड फ्रॉम हियर वी कैन इजीली राइट। यहां से ही आपको समझ में आ जाता है कि cos स्क्वायर थीटा जो होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब सॉरी cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा है ना इतना, तो cos थीटा कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। अब थीटा की जगह यहां पे दोनों तरफ हम पुट कर देते हैं, कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं, बट हमारे मेन क्या निकालना है हमें 67 एंड हाफ डिग्री। तो 67 एंड हाफ डिग्री पुट करेंगे तो cos ऑफ 67 एंड हाफ डिग्री इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूं फिर से, 67 एंड हाफ डिग्री इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट इज 1 प्लस cos 135 डिग्री, यहां 135 डिग्री थीटा कितना लिया हमने इतना, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन इसको 2 से करेंगे तो 135 डिग्री आएगा डिवाइडेड बाय 2। एक बार को मैं आपको बता देता हूं कि cos 135 डिग्री कितना होता है, cos ऑफ 135 डिग्री कैसे निकालते हैं, cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं आप, समझ रहे हैं बात। cos 180 माइनस 45 इज cos 135 डिग्री, चाहे तो आप 90 प्लस 45 भी लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा 180 माइनस 45, मतलब दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, सो इट इज माइनस cos 45 डिग्री, तो ये माइनस 1 बाय रूट 2 हो जाता है, ठीक है। तो यहां से आप इजीली अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये होगा 1 cos 135 डिग्री इज माइनस 1 बाय रूट 2, सो प्लस ऑफ माइनस 1 बाय रूट 2 दैट बिकम माइनस 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये आगे आप पिछली बार की तरह ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू भी उतनी ही आएगी जितनी साइन 22 एंड हाफ डिग्री आया था, और वो बहुत इजी सी बात है कि cos 67 एंड हाफ डिग्री कितने के बराबर होता है, साइन 22 एंड हाफ डिग्री के ही बराबर होगा, क्योंकि cos थीटा जो होता है वो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के ही तो बराबर होता है। सो इफ यू सब्सट्रैक्ट 90 माइनस 67 एंड हाफ डिग्री दैट इज नथिंग बट 22 एंड हाफ डिग्री। थीटा की जगह 67 एंड हाफ डिग्री पुट करिए यहाँ पे, तो यही रिलेशन आएगा। प्रॉब्लम इज फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके लिए आपको सबसे समझना होगा कि cos c प्लस cos d या तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये बात तो सही है, लेकिन किन दो को साथ में रखेंगे, इसको इसको साथ में रखना है या इसको इसको साथ में रखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि आप cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री, तो 40 प्लस 80 कितना होता है, 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री यदि मैं करूं तो कितना होगा 120 डिग्री, है ना। और
120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 करने से 60 डिग्री आता है। तो cos c प्लस cos b का जो फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos b वो होता ही है कितना, 2 cos c प्लस b बाय 2 इंटू cos c माइनस b बाय 2। तो यहाँ पे इन दोनों एंगल्स का डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो और cos 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं हाफ होती है, यदि मैं इन दोनों को साथ में रख लूं, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है उसमें से cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री इसको एक साथ रख लेते हैं, cos 40 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री, और इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इधर रख देते हैं। आगे इसको देखिए, cos 40 प्लस cos 80 डिग्री का जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, cos c प्लस cos b इज 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 इनटू cos c माइनस b डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos ऑफ 20 डिग्री, दैट इज 2 टाइम्स cos 40 प्लस 80 120 बाय 2 दैट इज 60 डिग्री इनटू cos ऑफ 40 माइनस 80 दैट इज 40 डिग्री विद माइनस साइन डिवाइडेड बाय 2 दैट इज माइनस ऑफ 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री, दिस इज 2 इंटू हाफ cos 60 डिग्री कितना होता है 1 बाय 2, एंड cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट cos ऑफ थीटा, सो इन द प्लेस ऑफ cos ऑफ माइनस 20 डिग्री वी कैन इजीली राइट cos ऑफ 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री, सो इट इज 2 टू कैंसल आउट and cos 20 degree minus cos 20 degree that is 0, so the answer is the value of this is 0. Problem is we have to prove that cos a into cos 2a into cos 4a is equal to sin 8a divided by 8 sin a, okay, so can I write this, the left hand side of this is cos a cos 2a cos 4a, but if you see here we have to write it into the sine of 8a divided by 8 sin a, so see this is cos a, okay, but you have to convert it into the sine of 8a, so if I divide it by 2 sin a, okay, if I divide it by 2 sin a and also multiply with 2 sin a, divide by 2 sin a and multiply by 2 sin a and write this here cos a cos 2a cos 4a, okay, can I write like this, yes, 2 sin a and 2 sin a got cancelled and the remaining is the same, so this is 1 upon 2 sin a and 2 sin a into cos a that is sin 2a, so it becomes sin 2a into cos 2a into cos 4a, dikha ja sakta hai aise, अगर यदि आप ध्यान से देखो तो साइन 2a इंटू कॉस 2a यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दे, मतलब इस तरीके से लिख दो, दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू 2 साइन a और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डिवाइड किया था 2 से और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इट बिकम 2 साइन 2a कॉस 2a कॉस 4a, द नेक्स्ट स्टेप बिकम 1 अपॉन 4 साइन a, okay, and this is 2 sin 2a cos 2a that is nothing but sin 4a because 2 sin theta cos theta is sin 2 theta, so it become 2 sin 2a into cos 2a can be written as 2 sin of 2 into 2a that is sin 4a cos 4a. Again if I multiply and divide by 2, so it become 1 upon 2 into 4 sin a and 2 into sin 4a cos 4a and this will become 1 upon 8 sin a, 2 into 4 is 8 sin a and 2 sin theta cos theta is again sin 2 theta, so that is sin of 2 theta that is 2 into 4a that is 8a and that is sin 8a divided by 8 sin a, okay, that is the actual proof of this question. The next problem is to prove that
2 cos pi by 13 multiplied by cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 equal to 0. So we start this problem to solve the left hand side. From the left hand side we can easily write it as 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13. लिखते हैं cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. So this is 2 cos A cos B. 2 cos A cos B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, cos A plus B plus cos A minus B, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है ना। तो यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं cos 2 cos A cos B is cos A plus B, that is pi by 13 plus 9 pi by 13 plus cos pi by 13 minus 9 pi by 13, और फिर बाकी ये दोनों इसी तरीके से जैसा है वैसे ही लिख देता हूँ, 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13, okay? Write it like just it is. अब देखिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos of pi by 13 plus 9 pi by 13, that is 10 pi by 13, okay? Pi by 13 plus 9 pi by 13, 13 is the LCM, pi plus 9 pi is 10 pi, plus cos of, it is pi minus 9 pi, that is minus 8 pi by 13, plus cos 3 pi by 13, plus cos 5 pi by 13. Again I am writing it as cos 10 pi by 13 plus cos 8 pi by 13, because cos of minus theta is cos theta, so cos of minus 8 pi by 13 is cos of 8 pi by 13, cos of minus theta is cos theta, plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13, ऐसा लिख लेते हैं, समझ रहे हैं बात। अब इसकी वैल्यू जीरो के बराबर होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो यदि आप ध्यान से यहाँ पे गौर से देखें तो 10 पाई बाय 13 और 3 पाई बाय 13, 10 प्लस 3 कितना होता है 13 होता है, और 8 प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा, वो भी 13 होता है। तो यदि हम 13 पाई बाय 10 पाई बाय 13 प्लस, इधर साइड में बता रहा हूं, 10 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13 कितना होता है, पाई होता है, ठीक है, समझ रहे बात। जैसे इट इज 10 पाई प्लस 3 पाई, दैट इज 13 पाई डिवाइडेड बाय 13, दैट इज पाई। सो वी कैन इजीली राइट इट एज 10 पाई बाय 13 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 3 पाई बाय 13। इससे क्या हो जाएगा, इससे आप ध्यान से देखिए, तो cos ऑफ 10 पाई बाय 13, cos ऑफ 10 पाई बाय 13 कैन बी रिटन एज cos ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाय 13, ओके। क्या लिख सकता हूं मैं, cos दोनों तरफ ले लिया तो cos 10 पाई बाय 13 कैन बी रिटन एज cos ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाय 13, एंड इसका मतलब ये है कि ये कितना हो जाएगा, cos 10 पाई बाय 13 ये हो जाएगा cos ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाय 13, एंड सिमिलरली इफ यू राइट इट एज 8 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13, 8 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13, सो इट इज ऑल्सो पाई। सो वी कैन इजली राइट हियर दैट 8 पाई बाय 13 कैन ऑल्सो बी रिटन एज पाई माइनस 5 पाई बाय 13, एंड कॉस ऑफ 8 पाई बाय 13 की जगह पे कॉस ऑफ पाई माइनस 5 पाई बाय 13 लिख सकते हो आप, है ना। तो यहां पे भी लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस 5 पाई बाय 13, और बाकी तो ये दोनों इस तरीके से जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट स्टेप इज कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है, कॉस पाई माइनस थीटा दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ कॉस थीटा, रिमेंबर इट, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस ऑफ कॉस थीटा, सो कॉस ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाय 13, सो इन द प्लेस ऑफ थीटा इट इज 3 पाई बाय 13, सो इट इज माइनस ऑफ कॉस 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, अगेन इज माइनस ऑफ कॉस थीटा, सो इट बिकम माइनस ऑफ कॉस 5 पाई बाय 13
प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13. So if you see here, it is minus, it is plus. So it can be cancelled. It is plus, it is minus. So it is cancelled and the value is 0. So this is the proof of this question. और ये हो जाता है हमारा problem solved. Next देखते हैं. The next problem is find the value of 10π/8. 10π/8 की value निकालनी है. यदि आप ध्यान से देखें तो पाई बाय 8 जो है ना वो पाई बाय 4 का हाफ है. मतलब पाई बाय 4 इज नथिंग बट 2 टाइम्स पाई बाय 8, दुगना है इसका. समझ रहे हैं बात. पाई बाय 8 इंटू 2 इज पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4 जैसे कि आपको पता है 45 डिग्री होता है पाई बाय 4, तो पाई बाय 8 जो है वो अगेन 22.5 डिग्री है. इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे. 10 22.5 डिग्री निकालना ऐसा समझ लीजिए, है ना. तो जैसे कि हमें पता है कि यदि हम 10 टू थीटा का जो फॉर्मूला है वो यदि लगाएं तो हम 10π/8 इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 टू थीटा में थीटा की जगह यदि पाई बाय 8 लिख लेते हैं तो हम इसको जो है वो निकाल सकते हैं. तो कैसे देखिए, सपोज लेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 8, क्लियर. तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 into pi by 8 and that means 2 theta can be written as pi by 4 and from here we can easily write tan 2 theta can be written as tan of pi by 4. Tan 2 theta is tan pi by 4 and that means tan 2 theta is 1. अब यहाँ ध्यान से देखिए, थीटा कितना लेट किया था हमने, पाई बाय 8, तो tan 2 थीटा इसलिए 1 आ रहा है. लेकिन हमें निकालना क्या है, tan थीटा निकालना है, मतलब tan पाई बाय 8 निकालना है. तो इसके लिए मुझे tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसको मैं 1 लिख सकता हूँ यहाँ से, है ना, जहाँ पे थीटा कितना है पाई बाय 8. और इसको यदि सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास आएगा, जिसका मतलब होता है कि 2 tan थीटा सिंपली इंप्लाइज दैट 2 tan tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. And from here we get tan square theta plus 2 tan theta minus 1 equal to 0. ये एक quadratic equation बन जाता है, ठीक है ना. अब यदि यहाँ पे tan theta को t लेट कर लें, tan theta is equal to t, let it as t. So this equation is t square plus 2t minus 1 equal to 0. And from here we can easily find t, that is minus 2 plus minus square root of d square, that is 2 square minus 4 into 1 into minus 1 divided by 2 into 1 and that is minus 2 plus minus root under of 4 plus 4, that is 8 divided by 2 and it is minus 2 plus minus 2 root 2 by 2 and it is minus 1 plus minus root 2 minus. So that means tan theta can be minus 1 plus root 2 और माइनस वन माइनस रूट टू. बट एज यू नो दिस फैक्ट दैट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 8, थीटा वाइज इज व्हाट, दैट इज पाई बाय 8 एंड पाई बाय 8 इज एंगल व्हिच इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 22.5 डिग्री. सो वी कैन इजीली से दैट फ्रॉम हियर दैट दिस इज अ पॉजिटिव नंबर एंड दिस इज अ नेगेटिव नंबर. ये नेगेटिव है, समझ रहे हैं बात. तो tan पाई बाय 8 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस वन प्लस रूट टू होगी, माइनस वन प्लस रूट टू. So that is the answer.